नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। लर्निंग किस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा शिक्षक कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी है। मैं एक लड़की हूँ। मैं 4 वर्ष की हूँ। मैं प्रापक में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट सिसिलिया पब्लिक स्कूल जूनियर विंग्स है। मेरा जन्मदिन 22 सितंबर को आता है। मैं उत्तम नगर में रहती हूँ। मेरी विद्यालय का नाम श्रीमती इंद्रप्रीत कौर है। मेरी कक्षा की संचालिका का नाम श्रीमती भावना वेद है। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम श्रीमती कोमल शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री दुर्गे जयसवाल है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कविता जयसवाल है। मेरे पिताजी का संपर्क नंबर है। मेरा पसंदीदा खिलौना गुड़िया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। मेरा पसंदीदा फूल गुलाब है। मेरा पसंदीदा सब्जी खीरा है। माजा मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। खाने में मुझे पूरी पनीर, चौदा चाप और आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर या पुलिस बनना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आज मैं आपको एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। ये दोहा मैं अपने गुरुजनों को समर्पित करती हूँ। तो चलिए दोहा शुरू करते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए। सात समुंदर की मस्ती करूं, सात समुंदर की मस्ती करूं। तब ही गुरु गुद निखान जाए, तब ही गुरु गुद निखान जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु का बखान किया है। कबीरदास जी कहते हैं, अगर हम सारी धरती को कागज बना दे, सारी जंगलों की लकड़ी को कलम बना दे और सात समुंदर के पानी को शाही बना दे, तब भी गुरु का गुण हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि गुरु का ज्ञान माय जीवन में अनमोल है। उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। धन्यवाद। और एक बार फिर से सभी गुरुजनों को मेरा सत सत कोटि धन्यवाद।